बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अजमत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको बेटा सेकंड ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में वेलकम करता हूं। आई होप कि आप खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने सेकंड ईयर मैथमेटिक्स से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर डैट इज़ नाउन एज कॉनिक सेक्शन ये स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज एक्सरसाइज 6.2 का लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसको मैं डिस्कस करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। कहता है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम 4-5 टू द सर्कल दिस। आपने इक्वेशन ऑफ कॉर्ड मालूम करनी है और वो कॉर्ड किस तरह बनती है। आपके पास एक पॉइंट 4-5 है, इस पॉइंट 4-5 से इस सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रा किए गए हैं। आपने अगर लास्ट लेक्चर देखे हैं तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी एक पॉइंट सर्कल के आउटसाइड होता है तो हमेशा उस पॉइंट से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रा किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर उसने कहा है कि आपने टेंजेंट ड्रा किए हैं पॉइंट 4-5 से, अंडरस्टूड बात है, ये पॉइंट 4-5 आउटसाइड द सर्कल होगा। अच्छा, तो आपने इस पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रा किए, इन दोनों टेंजेंट ने सर्कल को जिस पॉइंट जगह पर आकर पॉइंट्स पर आकर टच किया है, उन पॉइंट्स को मिलाने से जो लाइन बनती है वो सर्कल की कॉर्ड है। आपने उसकी इक्वेशन मालूम करनी है। ग्राफिकली अगर आप देखना चाहें तो ग्राफिकली कुछ सिचुएशन इस तरह है कि अगर ये मेरे पास सर्कल है जिसकी इक्वेशन ये मेरे पास गिवन है 2x² + 2y² - 8x + 12y + 21। इस सर्कल के ऊपर आपने ये एक पॉइंट अगर मेरे पास पड़ा है जी 0.45, इस पॉइंट के ऊपर आपने दो टेंजेंट ड्रा किए, एक ये अगर ये आपका टेंजेंट है पहला और दूसरा टेंजेंट अगर ये आपके पास है, इन दोनों टेंजेंट्स ने इस सर्कल को टच किया, एक ने इस पॉइंट पर दूसरे ने इस पॉइंट पर। तो पॉइंट पर टच करने के बाद ये जो आपके पास कोण बनती है आपने इसकी इक्वेशन मालूम करनी है। आप जानते हैं कि कॉर्ड जो है सर्कल की, कॉर्ड की डेफिनेशन ये है, ऐसी लाइन जिसके एंड पॉइंट सर्कल की बाउंड्री के ऊपर होते हैं, ऐसी लाइन जिसके एंड पॉइंट सर्कल की बाउंड्री के ऊपर होते हैं उन्हें उसे सर्कल की कॉर्ड कहते हैं। तो आपके पास फर्ज करें ये एक पॉइंट है ए और ये पॉइंट बी है, तो हमारा टारगेट ये है कि ये इस कॉर्ड ए बी की इक्वेशन मालूम करनी है। आपने टेंजेंट की इक्वेशन नहीं, कॉर्ड ए बी की इक्वेशन मालूम करनी है। और वो कैसे मालूम होगी वो देखते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मैं ये करता हूँ कि ये जो दो आपने टेंजेंट ड्रा किए हैं ना इस सर्कल के ऊपर, ये इस सर्कल को किस पॉइंट पर टच कर रहे हैं, ए और बी के ऊपर टच कर रहे हैं। ठीक है, लेट कर लेते हैं, लेट ए एक्स वन वाई वन और बी एक्स टू वाई टू बी दी पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट, बी दी पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट 4-5। फर्ज कर लिया कि आपके पास ये पॉइंट ए और बी हैं, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हैं किसके, इन दो टेंजेंट्स के, और वो दोनों टेंजेंट कहाँ से ड्रा किए गए हैं, 0.45 से। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि हमने पहले अगर फ़र्ज़ करें ये पॉइंट आपके पास पी है तो हमें यहाँ पर पी ए और पी बी ये जो दो टेंजेंट हैं इनकी इक्वेशन मालूम करनी है। ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ई क्यू मीन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट ए एक्स वन वाई वन। आपके पास यहाँ पर जो क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट बनेगी सर्कल के ऊपर इस पॉइंट ए एक्स वन पर वो क्या बनेगी, तो देखें सर्कल की इक्वेशन मालूम करने का मैंने जो आपको लास्ट लेक्चर में एक आसान तरीका कर बताया हुआ है
कि जब आपको ये पता हो कि सॉरी टेंजेंट की इक्वेशन मालूम करने का आपको मैंने लास्ट लेक्चर में जो सात तरीका बताया था वो ये था, अगर आपको ये लेकिन पता होना चाहिए कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, यानी किस जगह पर टेंजेंट आकर सर्कल को टच कर रहा है। तो यहाँ पर ये किस जगह पर आकर सर्कल को टच कर रहा है, पॉइंट ए के ऊपर। तो उसमें करते हम ये थे कि हम एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स वन से बदल देते थे, वाई स्क्वायर को वाई इंटू वाई वन से बदल देते थे, एक्स को एक्स प्लस एक्स वन ओवर टू से चेंज कर देते हैं और वाई को वाई प्लस वाई वन ओवर टू से चेंज कर देते हैं। ऐसे ही है। अब मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए पॉइंट ए के ऊपर, यानी पी ए की इक्वेशन चाहिए, पी ए टेंजेंट की। तो वो क्या बनेगी? सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट ए एक्स वन वाई वन इज, क्या करना है आपने, टू टाइम एक्स स्क्वायर की जगह लिखना है आपने एक्स इंटू एक्स वन, टू एक्स इंटू एक्स वन, आगे लिखना है वाई की जगह वाई इंटू वाई वन, आगे लिखना है माइनस एट, एक्स की जगह क्या लिखेंगे एक्स प्लस एक्स वन ओवर टू, एक्स प्लस एक्स वन ओवर टू, फिर आपने लिखना है प्लस ट्वेल्व, वाई की जगह आपने लिखना है वाई प्लस वाई वन ओवर टू प्लस ट्वेंटी वन इक्वल टू ज़ीरो। क्लियर होगी बात क्या? नहीं, ये वाली तमाम वैल्यूज मैंने यहाँ पर पुट कर दी। अच्छा, मुझे यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने x1, y1 और x2, y2 की वैल्यू मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, इसको बगैर मालूम किए हुए मैं इक्वेशन ऑफ कोड ए बी को यहाँ पर मालूम कर लूँगा। अच्छा, पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा जी, ये तो वैसे ही आ जाएगा, टू इंटू टू एक्स इंटू एक्स वन, टू वाई इंटू वाई वन, ये टू को एट से कैंसिल कर दें, क्या रह जाएगा माइनस फोर, माइनस फोर को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, माइनस फोर एक्स माइनस फोर एक्स वन, इसी तरह ट्वेल्व और टू को कैंसिल कर दें, बाकी रह जाएगा सिक्स प्लस सिक्स वाई प्लस सिक्स वाई वन प्लस ट्वेंटी वन इक्वल टू ज़ीरो। पूरी इक्वेशन में से आप टू कॉमन निकाल लें या चलें ऐसे ही रहने देते हैं, कोई चीज़ प्लस माइनस नहीं हो रही। अच्छा, अब अगली बात ये देखें कि ये जो आपकी इक्वेशन है ये किसकी इक्वेशन, ये किसकी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की, कौन से टेंजेंट की, पी ए टेंजेंट की, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दो जगह से, दो पॉइंट से पास कर रही है, पी ए दो जगह दो पॉइंट से पास कर रहा है, एक एक तो ए से और दूसरा क्या है पॉइंट पी से। तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या हैं, फोर और फाइव, क्या है फोर और फाइव। तो आप इसमें ऐसा करें एज, इससे अगर आप क्वेश्चन नंबर चले वन कह देते हैं, एज वन पासिस थ्रू, पासिस थ्रू पॉइंट फोर फाइव, सो आप क्या करें जी, पुट कर दें एक्स की जगह फोर और वाई की जगह फाइव, एक्स वन की जगह फोर और वाई वन की जगह फाइव नहीं पुट करना, एक्स की जगह फोर और वाई की जगह फाइव पुट करना, क्योंकि एक्स वन और वाई वन कहाँ हैं, ए के पॉइंट है, ये यहाँ पर है, ठीक है। हमने ये वाला पॉइंट पुट करने लगे, मैंने कहा कि एज वन पासिस थ्रू, क्वेश्चन नंबर वन इस पॉइंट से पास कर रही है, तो ये पॉइंट जो है ये एक्स और वाई की वैल्यूज हैं, तो आप इसमें एक्स और वाई की जगह ये पुट कर दें इन वन। तो क्वेश्चन नंबर वन आपके पास ऐसे बन जाएगी, टू एक्स की जगह आ जाएगा फोर, टू इंटू फोर एक्स वन, टू इंटू फाइव वाई वन, माइनस फोर एक्स की जगह आ जाएगा फोर, फिर माइनस फोर एक्स वन, एक्स वन की वैल्यू तो मुझे मालूम नहीं है, प्लस सिक्स वाई, वाई की जगह आ जाएगा फाइव, प्लस सिक्स वाई वन, वाई वन की वैल्यू मुझे मालूम नहीं है, प्लस ट्वेंटी वन इक्वल टू ज़ीरो। ठीक होगी बात ये। अच्छा, ये कितना बन जाएगा, ये एट एक्स वन आ जाएगा, एट एक्स वन, ये कितना आ जाएगा प्लस टेन वाई वन, ये कितना आ जाएगा माइनस सिक्सटीन, ये आ जाएगा माइनस फोर एक्स वन, ये आ जाएगा प्लस सिक्स फाइव जो थर्टी, ये आपके पास आ जाएगा प्लस सिक्स वाई वन, और ये क्या आ जाएगा प्लस ट्वेंटी वन इक्वल टू ज़ीरो। एट एक्स वन प्लस टेन वाई वन माइनस सिक्सटीन माइनस फोर एक्स वन थर्टी सिक्स वाई वन, जी ठीक हो गया। अब कुछ प्लस माइनस कर लें, कैलकुलेशन होगी, एट एक्स वन माइनस फोर एक्स वन ये आ जाएगा फोर एक्स वन, टेन वाई वन में से सिक्स वाई वन ये प्लस कर लेंगे, ये आ जाएगा सिक्सटीन वाई वन। अच्छा, आगे चलें जी, ये देखें, ये आपके पास थर्टी माइनस सिक्सटीन कितना हो जाएगा 14, 14 प्लस का होगा, 14 और 21 कितना हो गया 35, प्लस 35 इक्वल टू ज़ीरो। ये आपके पास
क्वेश्चन आ गई टेंजेंट की, जो पॉइंट ए से पास कर रही है। क्लियर होगी बात कि नहीं? इसी तरह टू कह दें, सिमिलरली फॉर पॉइंट बी, सिमिलरली फॉर पॉइंट बी, यही काम जब आप पॉइंट बी के लिए करेंगे, वी हैव। अच्छा, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या है? पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है एक्स टू वाई टू, एक्स टू वाई टू। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले पी बी, पी बी टेंजेंट की इक्वेशन मालूम करेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे ये पी बी इक्वेशन फोर फाइव से पास करती है, फिर फोर फाइव से पास करती है तो एक्स की जगह फोर आएगा, वाई की जगह फाइव आएगा, सब कुछ ऐसे सोल्व करेंगे तो फर्क कहाँ से पड़ेगा? पता आपको फर्क सिर्फ ये फर्क पड़ेगा, इसमें आ रहा है एक्स वन और वाई वन, उसमें सिर्फ आ जाएगा एक्स टू और वाई टू। ठीक है, सिमिलरली फॉर पॉइंट बी वी हैव फोर एक्स टू प्लस सिक्सटीन वाई टू प्लस थर्टी फाइव इक्वल टू जीरो। ये दो टू और थ्री दो क्वेश्चंस आ गई हमारे पास। क्लियर होगी बात कि नहीं? अच्छा, अब मुझे ये बताएं आप कि कोई ऐसी क्वेश्चन है, कोई एक कॉमन, अब इन दोनों को देख के हमने एक कॉमन इक्वेशन लिखनी है, एक कॉमन इक्वेशन लिखनी है, ऐसी इक्वेशन जो ए और बी दोनों से पास करती हो, और वही हमें चाहिए। हमें चाहिए था कोड ए बी की इक्वेशन, कोड ए बी ऐसी इक्वेशन जो ए और बी से पास करती है। अब इस क्वेश्चन करने के दो तरीकाकार थे, एक तो तरीकाकार ये था कि मैं पहले सबसे पहले पॉइंट ऑफ कंटेक्ट ए और बी मालूम करता, ठीक है, वो मालूम करने के लिए पहले ये टेंजेंट मालूम करता, इस पी ए टेंजेंट, इस पी ए टेंजेंट और पी बी टेंजेंट, इन दोनों की मुझे चाहिए थी इक्वेशन। इक्वेशन मालूम करने के बाद मैं इन इक्वेशंस का इस सर्कल के साथ निकालता इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन निकालने के बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलते, फिर मेरे पास ए और बी आता, फिर ए और बी जब पॉइंट निकलाते तो फिर मैं ये वाला फार्मूला लगा सकता था, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम एक्स माइनस एक्स वन, यानी स्लोप पॉइंट फॉर्म, लेकिन वो एक बड़ा लेंथी प्रोसीजर था। मैंने क्या किया, सबसे पहले इस तरह क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट मालूम करनी जो ए और बी से पास करती हैं, उनसे मैंने ये दो क्वेश्चन बनाई। अब मुझे एक चाहिए फाइनल क्वेश्चन जो कि ए और बी से पास करती है, इन इक्वेशन ऑफ द कोड। अब अगली बात सुनिएगा, हैंस इक्वेशन ऑफ द कोड इज, हैंस क्वेश्चन ऑफ द कोड, कोड ए बी, हैंस इक्वेशन ऑफ द कोड ए बी फ्रॉम टू एंड थ्री, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर टू एंड थ्री इज सिंपल। क्या करना है, यही क्वेश्चन दोबारा लिखूंगा, लेकिन उसमें ना तो मैं एक्स वन लिखूंगा ना वाई टू, एक्स ना एक्स ना एक्स वन वाई वन लिखूंगा ना एक्स टू वाई टू, सिंपल एक्स और वाई लिखूंगा, यानी कि ये आएगी फोर एक्स प्लस सिक्सटीन वाई प्लस थर्टी फाइव इक्वल टू जीरो। अब आप चेक करके देख सकते हैं क्या इस इक्वेशन से ये दोनों क्वेश्चन बनती हैं कि नहीं बनती। अगर मैं यहाँ पर एक्स वन की जगह, यानी कि एक्स और वाई की जगह, एक्स की जगह ए एक्स वन पुट करूँ और वाई की जगह वाई वन पुट करूँ, यानी पॉइंट ए पुट कर दूँ इसमें, इसमें एक्स की जगह एक्स वन और वाई की जगह वाई वन पुट कर दूँ, तो इससे क्या आपको ये वाली क्वेश्चन नंबर टू नहीं मिलेगी? मिल जाएगी। इसी तरह ही अगर मैं एक्स की जगह एक्स टू पुट कर दूँ और वाई की जगह वाई टू पुट कर दूँ, तो इससे जो क्वेश्चन बनेगी क्वेश्चन नंबर थ्री नहीं बन जाएगी। तो मतलब इन दोनों से आपने ये जो क्वेश्चन बनाई है, जो कि कोड ए बी की क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से ये दोनों बन जाती हैं। ठीक है, तो आपके पास ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ठीक है, तो दो तरीकाकार आपको क्वेश्चन करने के बताए थे, दूसरा मेथड आपका लेंथी है कि आप सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करें, वो एक लेंथी प्रोसीजर होगा। सिंपल, आप सबसे पहले यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट मालूम करने के बाद, ठीक है, ये जो दो क्वेश्चन बनती हैं, इन दोनों क्वेश्चन में सिर्फ एक्स वन और वाई वन ना लिखें, ना एक्स टू वाई टू लिखें, सिर्फ एक्स और वाई लिखें, वो आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कोड आ जाएगी। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, आज हमने आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 6.2 को कंप्लीट कर दिया, क्वेश्चन नंबर 9 इज कंप्लीट। ठीक है, मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आपने लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.3 को स्टार्ट करेंगे। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।